हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे टाइपिकल आईसी डिज़ाइन और वेरिफिकेशन फ्लो के बारे में। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ। आई एम क्रिएटिंग अ लेक्चर सीरीज विच इंक्लूड्स एलवीएस एंड पैक्स, पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन। ओके, एंड बिकॉज आई हैव 10 years of industrial experience, so I will teach you guys what I know, and it will be very good for freshers. So freshers must watch these videos because no team lead will teach you all these things. Okay, in industry nobody teaches. Only if you get a good leader who cares, who is responsible, he will teach. Otherwise, it is very difficult. So, in typical IC design verification flow, we have a source netlist. Then we do simulations. Then we do automated layout, full custom editing, then layout verification, pattern generation. तो दोस्तों होता क्या है कि सोर्स नेटलिस्ट, ये आपकी नेटलिस्ट होती है। आपने मान लो एक सर्किट बनाया, राइट? वो सर्किट कैसे बनाओगे आप? दो सिंबल रखोगे ट्रांजिस्टर के, पी मॉस के, एन मॉस के, राइट? तो उसके बाद तुम क्या करोगे, या तो उससे तुम दो चीज कर सकते हो। एक होता है सिमुलेशन नेटलिस्ट और एक होता है सीडीएल, ठीक है? तो सिमुलेशन नेटलिस्ट जो होती है उसमें वही इंफॉर्मेशन होती है जो सीडीएल में होती है। अंतर कहाँ होता है? अंतर होता है टेस्ट बेंच का, जहां पर तुम वोल्टेजेस वगैरह लगाते हो, ठीक है? जैसे आप एक ब्लैक बॉक्स मान लो किसी चीज को, तो आप क्या करते हो उस ब्लैक बॉक्स में? बाहर से इनपुट लगाते हो, भाई आपको कोई बॉक्स टेस्ट करना है, ठीक है? तो आप कैसे टेस्ट करोगे? उसके लिए आप एक ब्लैक बॉक्स बनाते हो और उस ब्लैक बॉक्स को टेस्ट करते हो। कैसे टेस्ट करोगे? उसके इनपुट्स दोगे, वोल्टेजेस दोगे, राइट? तो यहाँ सोर्स नेटलिस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर सीडीएल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है सिमुलेशन नेटलिस्ट की, मतलब टेस्ट बेंच की। तो जब टेस्ट बेंच बन गई आपकी, तो आप उसको सिमुलेट करके देख लोगे यूजिंग एच स्पाइस टूल, यूज कर सकते हो सिनॉप्सिस का टूल, यूज कर सकते हो, ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारी नेटलिस्ट तो बन चुकी है, राइट? इसके बाद क्या होता है कि अब तुमने मान लो सिमुलेशन कर लिया, तो इसको हम कहते हैं प्री सिमुलेशन। मतलब आपने कोई भी कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस उसमें एक्सट्रैक्ट नहीं करा है, सिंपल आपने जो सर्किट बनाया है उसको सिमुलेट कर लिया। इसके बाद क्या होता है, लेआउट बनाना होता है। तो लेआउट आप दोनों तरीके से बना सकते हो। लेआउट बनाने के लिए आप ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? जिसको हम कहते हैं कुछ, आप स्किल में स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है? और स्किल में स्क्रिप्ट लिख के आप उसको रन कर सकते हो, तो वो क्या करेगा, आपके पीसेल के लेआउट्स को उठाएगा और ट्रेस करेगा और राउटिंग कर देगा, ठीक है?
लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि पीडीके की जो क्वालिटी होती है, जो ऑटोमेटेड लेआउट है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि पीडीके की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, इसमें पिन्स मिसिंग होती हैं, ठीक है। और राउटर को क्या चाहिए, पिन इंफॉर्मेशन, अगर पिन इंफॉर्मेशन नहीं है वहाँ पर तो राउटिंग नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या होता है, अपना कस्टम एडिटिंग अपना खुद बना लो, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करो, लेआउट बनाओगे। अब लेआउट बनने के बाद क्या होता है, आपने लेआउट तो बना लिया और आपके पास सर्किट भी है, तो आप ये चेक करना चाहोगे कि आपने लेआउट जो बनाया वो सही बनाया नहीं बनाया, जो आपने सर्किट बनाया उसी का लेआउट है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, दोनों को चेक करते हो, दोनों को मैच करते हो, अपने स्केमेटिक को और लेआउट, उसको हम कहते हैं LVS, LVS, लेआउट वर्सेस स्केमेटिक, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये लेआउट वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस करते हो, ठीक है। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, DRC, लेआउट पे आप DRC चलाओगे, क्योंकि विदाउट डिजाइन रूल चेक आप अगर आप बनाते हो और अगर उसमें मिनिमम वायलेशंस होती हैं, मिनिमम स्पेसिंग वायलेशंस होती हैं या कॉर्नर वायलेशंस होती हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो फिर मैन्युफैक्चर ही नहीं हो सकता। तो जो चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती वो आप बना के फायदा क्या। तो पहला इसलिए हम, सबसे इम्पोर्टेंट होता है DRC, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद LVS करते हैं, लेआउट वर्सेस स्कीमेटिक। अब ये पता चल गया कि जो लेआउट बनाया वो काम कर जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको, फिर LVS चलाते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि जो तुम्हारी सोर्स नेटलिस्ट थी और जो तुम्हारी, ये सोर्स नेटलिस्ट बोलेंगे या CDL बोलेंगे। अब जब हम LVS की बात करेंगे तो हम CDL बोलेंगे, तो लेआउट वेरिफिकेशन और सोर्स नेटलिस्ट। उसके बाद क्या होता है, आपने लेआउट बना लिया, स्कीमेटिक बना लिया, ठीक है। अब दोनों का क्या करेंगे, LVS कर देंगे। एक बार LVS पास हो गया उसके बाद हम क्या करते हैं, पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन, कि अब हम ये चेक करेंगे कि जो आपने लेआउट बनाया है उसमें कितना पैरासिटिक है, मतलब कितना R है, कितना C है, ठीक है। और उसको बनाने के बाद, अभी इन्होंने पैटर्न जनरेशन सीधे बोल दिया, यहाँ और भी स्टेप्स है, ठीक है। पोस्ट सिमुलेशन होता है, पोस्ट सिमुलेशन मतलब RC निकालने के बाद, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस निकालने के बाद आप सिमुलेट करते हैं, राइट, उसको हम कहते हैं पैक्स। तो ये एक डिजाइन फ्लो है इंडस्ट्री का और इसी तरह से काम होता है। तो हम लोग क्या करते थे, हम भी यही करते थे। मैंने इस पे क्या किया था, आई क्रिएटेड अ ऑटोमेटेड टूल जो ये सारी की सारी चीजें खुद करेगा, एवरीथिंग जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो फ्लो है ये मैंने खुद डिजाइन किया था, इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं थी, दिस फुल प्रोसेस आई हैव ऑटोमेटेड, ठीक है। तो फिर अब मैं अब ये जो बना रहा हूँ इसमें मैं बताऊंगा कि LVS और PACS क्या होता है और थोड़ा इसमें हम डेप्थ में जाएंगे, जो इंडस्ट्री, जो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के बाहर नहीं आ पाती है या जो बहुत कम एक्सेसिबल होती है। सो दैट आई विल टेल यू, LVS एंड PACS, ओके। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडेज वीडियो ऑन LVS, ठीक है। तो बड़ा मजा आएगा, हम आगे चलेंगे इसमें और बहुत कुछ सीखेंगे, DRC, SVRF सीखेंगे, LVS के स्विचेस सीखेंगे, LVS क्या होता है, LVS में क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या 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 चेंजेस कर सकते हैं हम कोड में, ठीक है। डिवाइस कैसे बनता है, बहुत कुछ सीखेंगे। LVS टैक्स में भी बहुत कुछ सीखेंगे, तो ये इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।